मैसूर न्यूज 21 के स्वागत ना आयशा बाई इंदी प्रमुख सूदि विषय डॉक्टर नयास पाशर राजीव नगर तम क्लिनिक नम वाहिनी मुखातर सार्वजनिक करोना महामारी बगे आतंक बगे माहिती मैसूरी करोना इलिमुखवागिद्दु सावीन संख्य कूड़ा कड़िमे करोना बग्गे यावदे रीतिया भयपड़ुवुदु बेड़ा मक्कळल्ली कंडुबंदिरुव वैरस बग्गेयू भयपड़ुवुदु बेड़ा खासगी आस्पत्रेगे होगी सावीरारु लक्ष वेच्च माडुव बदलु सरकारी आस्पत्रेयल्ली ओळ्ळेय मुन्नेच्चरिके क्रमवन्नु तेगेदुकोंडु ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯೊಡನೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ ವರದಿ ಅಮ್ರೀನ್ ಸಾನಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ 21 ಮೈಸೂರು अब एक बड़ी एक मनसूबाबंदी के तहत एक बड़ी मुहिम चली जिसमें कि हमारे उलमा इकराम अहमदीन और बाकी दीगर हजरात हमारे पॉलिटिशियंस कारपोरेटर्स स्पेशली पूरा कारपोरेटर्स बहुत साथ दे रही हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही तो उनकी इतने सब लोगों की और खासकर पर वॉलंटियर्स जो बच्चे यंगस्टर्स जो हैं बहुत लड़के और लड़कियां दोनों बहुत हद तक हमारे साथ हाथ जोड़ को हमारे साथ इसमें ताउन कर रहे जिसकी वजह से अल्लाह का एहसान एक बहुत बड़े तौर पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका फल हमने आज जब वैक्सीनेशन के वास्ते जब एडिक्वेट वैक्सीन मिले तो आज हमने देखने को मिल रहा है अल्लाह का एहसान हमारा टारगेट पर डे एक 5000 वैक्सीनेशन करने का इरादा है मिनिमम एक इंशाल्लाह तो और मकसद क्या है अगर को बोलेगा तो एक 2 या 3 लाख की आबादी को अगले 20 दिन के अंदर वैक्सीनेट करने के एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत कर रही अगर उसके हमें 50% भी रीच करें तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि तो एक वक्त था जस्ट एक महीना पहले जब एक एक बूथ में 5, 4, 3 लोग आपको वैक्सीन लेते थे आज अल्लाह का एहसान हर एक एक बूथ में हमारे जहां पे हर पीएचसी में 200-300 का टारगेट रीच हो रहा है इंशाल्लाह 9 सेंटर्स हैं हमारे और 2 मोबाइल सेंटर्स हैं इसे 20 सेंटर्स में और तब्दील करने का इरादा है और उसके बाद हर सेंटर में एक एक जगह पर मिनिमम 500 से 1000 तक के तादाद को वैक्सीनेट करने का प्लान है जिसके तहत से काम चल रहा है अल्लाह का करम अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो उसकी वजह से क्या हो रहा जो शुरुआत हुई थी रोज 200-300 से शुरुआत हुई आज अल्लाह का फजल 2000 को रीच कर गई इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में 5000 का टारगेट रीच करने का है मैं आप लोगों के जरिए से उन सारे लोगों का उन सारे हजरात का उन सारे खवातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि कौम को इस बुरे वक्त में जबकि हमें ऑलरेडी थर्ड वेव केसेस शुरू हो गई इस वीक से मई जो समझता था कि 1-1.5 महीना थोड़ा कम होगा ये क्या अल्लाह की मसलियत है मालूम नहीं केसेस मैसूर में तो कम नहीं हो रही ऐसे माहौल में एक हमारे लिए एक हथियार कबूल को अल्लाह की तरफ से कुछ मदद कर बोले तो एक वैक्सीनेशन थी लेकिन कौम में उसकी बेदारी नहीं थी बहुत सारे अफवाह चल रहे थे उसके बावजूद ये बहुत सारे लोगों की जिन जिन हजरात और खवातीन के मैं नाम लिया इन लोगों की मेहनतों की वजह से इन लोगों की काविशों की वजह से अल्लाह जन्ना ये दिखाया वक्त लाया कि हमें रोज 2000 का टारगेट रीच कर पा रही इंशाल्लाह उनकी मैं आप लोगों के जरिए से और लोगों को भी अपील करता हूँ कि हमारे साथ इस मुहिम में हमारी कारगुजारियों में हिस्सा लें बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन तक लाकर वैक्सीनेशन कराने की मुहिम में हमारा साथ दीजिए इंशाल्लाह रोज 5 से 10 हजार लोगों के अगर वैक्सीनेशन भी कराए हमें तो इस महीने के हद खत्म होने होने तक इंशाल्लाह बहुत सारे असबाब को 60-70% हमारे हल्के के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है इंशाल्लाह ये कोरोना डेल्टा ये तुम्हारा पहले डबल म्यूटेशन फिर ट्रिपल म्यूटेशन फिर अब डेल्टा
अपने शायद पेंटा, उसके बाद रिक्शा, ये सब आते रहते हैं जी। इसकी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ये मेरी परेशानी है जी। पेंटा आए, डेल्टा आए, डबल आए, ट्रिपल म्यूटेशन आए, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने ताकत दे रखी है, इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। हमारे महकमे सेहत की जानिब से हो या फिर हुकूमत की जानिब से हो या फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से हो, भरपूर ताउन मिल रहा है, पूरी टीम तैयार है। इंशाल्लाह सब जिस तरीके का भी वायरस होगा मेहनत करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह की तरफ से जरूर मिलेगी। पर हाल ही में हमने बीडी हॉस्पिटल को विजिट किया था तो उधर देखे कि छोटे मासूम बच्चे भी जो है उधर एडमिट होकर हैं सर, तो माँ बाप को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं आपका ये बहुत अच्छा सवाल आपने शुरू किया। सबसे पहले तो मैं लोगों को, आप लोगों की जानिब से एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि बच्चों को नो डाउट ये हो रहा है, बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, लेकिन किसी को भी किसी भी लिहाज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी कौम, हमारी आवाम पूरी ये बात को समझे। किसी लिहाज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए हमारी पहले से ही तैयारी भी हो चुकी है। जैसा कि आपने पहले ही बताया, बीडी हॉस्पिटल में आप जाके देखे, बच्चों को एडमिट किया हुआ है। ऐसे ही एडमिट नहीं किया हम लोग, उसकी तैयारी थी, उसकी मंसूबाबंदी थी, हमारी हमारा अंदाजा था कि बच्चों को इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से पहले से ही हमारी इसमें एक मंसूबाबंद तरीके से काविशें चल रही थी, जिसकी बदौलत आज हम बच्चों को एडमिट कर पा रहे हैं, दवा दे पा रहे हैं। ऐसा हालत नहीं है कि बच्चे आ गए तो हमारे पास उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप नारायणा चले जाओ, कोलंबिया चले जाओ, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आवाम को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों को बता रहा हूं और आवाम को ये पैगाम मेरे तरफ से मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूं। बच्चों के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। मैंने आपको बताया, ये डबल म्यूटेशन हो, ट्रिपल म्यूटेशन हो, या डेल्टा हो, या कोई भी हो, ठीक, हम लोग उसके लिए मुकाबला करने के लिए जी जान से तैयार हैं। हर रोज मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम में मैं आपको लोगों को ये बात समझ में आए कि जितने भी मेरी टीम से जो लोग अभी इस मुकाबले में लड़ रहे हैं कोरोना से, हर रोज 5-6 डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वॉलेंटियर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। हर दिन के मेरे पास मेरे खुद के स्टाफ पॉजिटिव हो रहे हैं। ये अपने भाई बहन को ट्रीट करके नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्म को, ये आवाम को ट्रीट करके हो रहे हैं। मेरे बीडी हॉस्पिटल में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, एसएमडी हॉस्पिटल में हो या फारूखा में हो, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये अपने भाई बहन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आवाम अल्लाह को राजी करने के लिए फी सभी लिल्ला कर रहे हैं। तो उन लोगों को पॉजिटिव होना, ये आप लोगों को एक तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि कितने बड़े रिस्क लेकर, अपनी जान पर खेल कर ये लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी एक बहुत बड़ी टीम है जो मेहनत कर रही है इसको, कोरोना को मुकाबला करने में। तो उन लोगों की मेहनतों का सिला अल्लाह ने ये दिया कि बहुत सारी आवाम अच्छी होकर जा रही है। देखिए बात यह है कि चूंकि केसेस कम हो रहे हैं अभी, तो डेथ्स पर ज्यादा लोगों की नजर जा रही है, वरना तो डेथ्स भी बहुत कम हुए। एक जमाना था मेरी हॉस्पिटल में ही, कुछ दिन पहले, एक महीना डेढ़ महीना पहले, 7-8 लोग हम हर रोज डेथ्स देखते थे। मैसूर में 40 के करीब डेथ्स देखते थे। आज अल्लाह का करम है, मेरे हॉस्पिटल में इक्का दुक्का डेथ्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं पूरी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इक्का दुक्का डेथ्स हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 7-8 डेथ हो रहे हैं। तो मैसूर में डेथ्स की तादाद भी कम हो गई, मैक्सिमम अभी 10-11 डेथ्स डिक्लेयर हो रहे हैं इसके कोविड की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कम तो हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, हम लोगों के अंदाजे के मुताबिक कम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। थर्ड वेव प्रोबेबली मैसूर में इट इज ऑलरेडी ऑन। तो लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें, मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क
की बड़ी अहमियत है, उसकी उसका ख्याल रखें। और वैक्सीनेशन एक वाहिद ऐसा असरदार टूल है जो कोविड की सीरियसनेस को कम कर सकता है। तो मैं आपके जरिए से लोगों को अपील करता हूं, लोगों को मैं आजीजाना गुजारिश करता हूं, मेरी मैसूर की सारी आवाम से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो वैक्सीनेशन लेने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आए वैक्सीनेशन करें। पूरी तरह फ्री है, हम लोग कंप्लीटली फ्री, और आपके घर के नजदीक में कर रहे हैं जी। मैसूर में बहुत जगहों पर घरों के पास आपके कर रहे हैं। आइए वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वैक्सीन लीजिए, और अपने आप को और अपने घर वालों को, और बिलखुसूस अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो आपके बच्चों की हिफाजत हो जाएगी, क्योंकि आप खुद उनके लिए बीमारी के कैरियर्स बन सकते थे। अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाएं तो बच्चों की हिफाजत होगी, तो बच्चों की हिफाजत के लिए भी कम से कम उनका ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और किसी तरीके के ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी रूमर्स आ रहे हैं, कोई मैग्नेट बन गया, कोई लाइट आ गया, कोई ये सब बेवकूफाना मैसेजेस को कोई तरजीह न दें। किसी तरीके से इन बेवकूफों की हरकतों पर कोई तरजीह न देते हुए, उस पर ख्याल तबादले ख्याल न करते हुए आप लोग महकमे सेहत का और हुकूमत का साथ दीजिए, आकर वैक्सीनेशन में हिस्सा लीजिए। वैक्सीनेशन 100% आपके लिए सेफ है। अगर थोड़ी बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होती है, बुखार आती है, वो उसका एक सिस्टम है जिसके तहत आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और कौम की और मिल्लत की और आने वाली हमारी नस्ल की हिफाजत में हमारा साथ दें। सर, मैसूर 24 न्यूज चैनल और मैसूर 21 न्यूज चैनल को बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जजाकल्ला, आपका भी बहुत।